इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के दुबग्गा एरिया में और मेरे ठीक पीछे आप जो घर देख रहे हैं वो सांसद कौशल किशोर जो यहाँ लखनऊ से सांसद है, साथ ही वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके बेटे विकास किशोर का ये घर बताया जा रहा है। देर रात यहाँ पर एक डेड बॉडी फाउंड हुई है, जिसके बाद यहाँ मौके पर पुलिस पहुँचती है, डेड बॉडी को जो शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, ये यहाँ से जो केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर हैं उनका उनके बेटे का घर है, ये मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो एक शव बरामद हुआ है जिसका नाम विनय श्रीवास्तव बताया जा रहा है, विनय श्रीवास्तव नाम के युवक का यहाँ से शव बरामद हुआ है और हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर पुलिस ने घर को पूरी तरह से बंद कर दिया है। यहाँ पर CCTV भी लगे हुए हैं, हम आपको दिखाएंगे कि ये CCTV भी कैमरा यहाँ लगा हुआ है, अंदर भी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस यहाँ से DBVR लेकर के गई है अपने साथ में, साथ ही फॉरेंसिक टीम भी पहुँची थी वो अंदर, उसने मौका वारदात का जो अपना जाँच प्रक्रिया थी वो पूरी करी और उसके बाद यहाँ से CCTV का DVR निकाल करके अपने साथ ले गई। तस्वीरों के माध्यम से हम बताएंगे कि ये यहाँ पर ये सांसद कौशल किशोर और केंद्रीय मंत्री जो कौशल किशोर हैं उनके बेटे विकास किशोर का ये घर है और यहीं से चंद कदम की दूरी पर यहाँ से जो केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर हैं उनका निवास है, मात्र 100 मीटर की दूरी में। और ये मैं आपको ठीक उसके बगल वाले रास्ते से मैं आपको दिखाने घर को समझाने जो मौका वारदात जो घर है जहाँ पर ये घटना घटित हुई है वो उसकी तस्वीरें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये दुबग्गा का बेगरिया गांव कहलाता है और ये यहाँ पर ये केंद्रीय मंत्री जो हैं उनके बेटे का घर है और ये ठीक उसके पीछे वाले कमरे में, ये सामने बैठका है और ये बैठके के ठीक पीछे वाले कमरे में जहाँ देखिए यहाँ पर उसी कमरे में इसकी गोली मारी गई है। हालांकि पुलिस यहां पर पहुंची थी, सबको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। वहीं मृतक के जो परिजन हैं वो भी यहां पर पहुंचे थे। मृतक के परिवार में जो बड़े भाई हैं उनके, विकास श्रीवास्तव, उनका ये कहना है कि हमारे भाई की हत्या की गई है गोली मार करके। वैसे हमेशा वो मेरे भाई को अपने साथ ले जाते थे विकास किशोर जी, लेकिन आज ना उनको अपने साथ ले गए हैं ना ही वो अपनी पिस्टल साथ ले गए थे, तो कहीं ना कहीं इसमें साजिश रची गई है। तो कुल मिलाकर के ये जो दुबग्गा स्थित सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर हैं उनके बेटे का ये घर है, यहाँ पर विनय श्रीवास्तव नाम के युवक की डेड बॉडी मिली है जिसको पुलिस ने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। साथ ही इस पूरे मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।